बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिनको पिछली दफा जब एक 600 वोट से कम लिए हुए फर्द को चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बनाना था तो उन्हें याद आया था कि नवाज शरीफ साहब के वालिद जो हैं वो जियाउल हक हैं, इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब को इस दफा भी एक चीज का उन्होंने हवाला दिया है नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब को, दिखाते हैं क्या कहा। इस किस्म का एक पाकिस्तान है, रायवंड का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है, लंदन में बैठा है, इस इंसाफ का निजाम में, इस एहतसाब का निजाम में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस एहतसाब के निजाम पे शिकवा कर रहे हैं जिस निजाम के अंदर उनके अपने वालिद साहब जो हैं उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो चल के नहीं देते या चलते हैं तो अंजाम तक पहुंच के नहीं देते, जो उनके दीगर खानदान के लोगों के खिलाफ इल्जामात हैं, जो लगाने वाले हैं इल्जामात के वो केस दर केस में बरी होते रहते हैं हालांकि वो वादा माफ गवाह बन के वो इल्जामात लगाते हैं, जिस तरह के उज़ैर बलोच का किरदार है, जो GITs हैं उसके अंदर जो इल्जामात हैं वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, लेकिन बिलावल साहब को शिकवा है ये रायवंड के वजीर आजम से। ये एक हक है उनका शिकवा ऑब्वियसली करने का, लेकिन इससे पहले जब वो रायवंड के वजीर आजम जिस वजह से मुल्क के बाहर हैं, यानी कि अपनी अलालत के हवाले से या अपने एक क्लेम्ड अलालत के हवाले से, वो जब वो क्लेम कर रहे थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क्या तासुरात थे आपको दिखाना चाहते हैं। कोई पाकिस्तान में मानने को तैयार नहीं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में या लंदन में इसलिए है कि करप्शन की वजह से, वो इसलिए है कि इमरान की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से। ये कैसे हो सकता है कि 3 बार मुंतखब वजीर आजम आज भी कोट लखपत जेल में है, बीमार है मगर जेल में है। अगर मैं नवाज शरीफ साहब को अपना सूबा में होस्ट कर सकूं और उनका जो हेल्थ के इश्यूज है वो देख सकूं, लेकिन मुझे अंदाजा है कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है मियां नवाज शरीफ साहब का, काफी बीमार है, लेकिन जहां तक इलाज की बात है NICVD is absolutely equivalent to any international hospital. कोई भी कैदी बीमार हो तो उनको जो भी बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट पहुंचाया जा सके वो हुक्मरान हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो बेस्ट ट्रीटमेंट फरहम करे। ख़ास तौर पे अगर कोई एक दिल का मर्ज हो तो आप उसको ज़्यादा स्ट्रेस में डाल के तो इलाज नहीं कर सकते, ये एक किस्म की तशद्दुद है। और मुझे बहुत अफसोस लगा जब मैं मियाँ साहब से मिला, मियाँ साहब काफ़ी बीमार लग रहा था। हद तक सेहत की बात आता है, इंसानियत की बात आता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुतालबा करती है कि मियाँ साहब को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिलवाया जाए। जो भी मियाँ साहब कहता है कि ये ट्रीटमेंट मुझे चाहिए उसको वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अच्छा, ये रायवंड के वजीर आजम मुल्क के बाहर जिस वजह से थे उसकी आपने देखा पुरजोर तरीके से साथ दे रहे थे बिलावल साहब, लेकिन अब उनका ख्याल है कि ये रायवंड के वजीर आजम है इसलिए उनको ये सब खसूसी प्रिविलेजेस मिल रही हैं, भूल गए हैं वो शायद अपनी की वी डिफेंस।